स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन एंड क्वाइट वेल। आज मैं आपको SST का समर पैक सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से उसकी समझ आ जाए और आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकें, ठीक है? सो ओपन योर SST समर पैक पेज नंबर 47। एज यू सी, ये हमारे पास पेज नंबर 47 है और हम 20 MCQs पहले कर चुके हैं, इसलिए आज हम 21 MCQs करेंगे। 21 MCQs हमारे पास है, पाकिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री लाइन विद डैश कंट्री। पाकिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री लाइन विद डैश कंट्रीज। ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 4, सी हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 5। 2 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, 3 कंट्रीज या फिर 5 कंट्रीज। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम डी के ऊपर सर्कल कर देंगे, 5 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? 22 हमारे पास ऑप्शन है, 22 MCQs हमारे पास है, चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन डैश। चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन डैश। ए हमारे पास है NWFP, बी हमारे पास है सिंध, सी है बलोचिस्तान, डी है पंजाब। NWFP, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब। तो हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन बी के ऊपर सर्कल करेंगे, पंजाब को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? द कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज डैश। द कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज डैश। ए हमारे पास है इंडिया, बी ईरान, सी चाइना, डी अफगानिस्तान। इंडिया, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान। सी हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसलिए हम यहाँ पे सी के ऊपर सर्कल लगाएंगे, चाइना को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट MCQs का पेज है 48। हमारे पास MCQs नंबर है 24। डैश आर व्हेन स्नो वोलेंटली फॉल डाउन। डैश आर व्हेन स्नो वोलेंटली फॉल डाउन। ए फ्लॉड, बी एवलेंचेस, सी सुनामी, डी है टॉन्ट। टॉन्ट, ठीक है? फ्लॉड, एवलेंचेस, सुनामी, टॉन्ट्स। तो हमारे पास जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है बी। बी के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे, एवलेंचेस हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 25। डैश रिसीव लेस देन 5 इंचज ऑफ रेनफॉल एनुअली। डैश रिसीव लेस देन 5 इंचज ऑफ रेनफॉल एनुअली। ए हमारे पास है कोस्टल एरिया, बी है सिंध, सी है एलोवियल प्लेन, डी है डेजर्ट। कोस्टल एरिया, सिंध, एलोवियल प्लेन, डेजर्ट। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है डी। हम डी के ऊपर सर्कल लगाएंगे, डेजर्ट को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 26। डैश इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डैश इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ए हमारे पास है टेलीविजन, बी है बुक्स, सी है न्यूज़पेपर, डी है जर्नल। टेलीविजन, बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास क्या है? टेलीविज़न। ए हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसलिए हम ए के ऊपर सर्कल लगाएंगे, टेलीविज़न को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 27 MCQs। डैश इज एग्जांपल ऑफ प्रिंट मीडिया। डैश इज एग्जांपल ऑफ प्रिंट मीडिया। ए हमारे पास है रेडियो, बी हमारे पास है फिल्म, सी है बुक, डी है केबल। रेडियो, फिल्म, बुक या फिर केबल। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसलिए हम सी के ऊपर सर्कल करेंगे, बुक को यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ठीक है? आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।